इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के करीब 20 दिन के बाद आज तालिबान अपनी सरकार का ऐलान करेगा और उससे ठीक पहले तालिबान ने पंचशील घाटी पर कब्जा करने का दावा किया है। नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत नाकाम रहने के बाद तालिबान ने अपनी पूरी ताकत पंचशील को जीतने में लगा दी और अब इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने पंचशील पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि पंचशील पर अब भी नॉर्दर्न अलायंस का ही कब्जा है और इसे लेकर तालिबान के साथ उनकी जंग जारी है। लेकिन तालिबान के आतंकी पंचशील पर कब्जे के दावे के बाद राजधानी काबुल में जश्न मना रहे हैं। सरेआम काबुल में फायरिंग की जा रही है। वैसे तो तालिबानी आतंकियों ने यह फायरिंग हवाई की है, लेकिन खबर है कि इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जिस दिन अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट छोड़कर गए थे, उस दिन भी काबुल में तालिबान के आतंकियों ने जबरदस्त फायरिंग की और जश्न मनाया था और उस दिन भी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं काबुल की, जहां पर पंचशील जीत के बाद जो दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से जश्न मनाया गया और जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया कि जबरदस्त फायरिंग की गई और बताया जा रहा है इस हवाई फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई है। और जिस दिन यानी 31 अगस्त को जब अमेरिकन फोर्सेस ने काबुल एयरबेस को खाली किया था, उस दिन भी इसी तरह से तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग की थी, हवाई फायरिंग। और आप देख सकते हैं जो आपको ये रोशनी नज़र आ रही है आसमान में, ये हवाई फायरिंग की है। और तालिबान का ये दावा है कि उसने पंचशील पर कब्जा कर लिया, लेकिन अमरुल्ला सालेह जो कि रेजिस्टेंस फोर्स को लीड कर रहे हैं, उनका यह मानना है और उनका यह दावा है कि अभी भी पंचशील जो है वो नॉर्दर्न अलायंस यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स जो बना है उसके कब्जे में है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 3 चीज़ें सामने आ रही है। एक है कि किस तरह से आज तालिबान अपने सरकार गठन को लेकर ऐलान करने जा रहा है और साथ ही दावा कर रहा है कि पंचशील जो कि एक ऐसा इलाका रह गया था जिस पर कब्जा नहीं हुआ था तालिबान का, उसे भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन इन दावों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के आतंकी पंचशील पर कब्जे का तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन अमरुल्ला सालेह तालिबान के दावों को गलत बता रहे हैं। सालेह ने एक वीडियो जारी किया है और अब भी पंचशील घाटी अपने राजनीतिक नेताओं और सैन्य कमांडर्स के साथ मौजूद है, ये उनका दावा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हालात ठीक नहीं है और दोनों ओर से जबरदस्त जंग जारी है, नुकसान भी बहुत हुआ है। अमरुल्ला सालेह के साथ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि NRF ने भी दावा किया है कि पंचशील अब भी आज़ाद है और उस पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। ये इस बात को लेकर NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने भी माना है कि इलाके में अभी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। پروپاگاند دشمن است. من داخل پنشیر هستم، در پایگاه خود هستم. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم، با شخصیت‌های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. در این شک نیست که حالت سختی است. ما زیر تهاجم القاعده و تروریست‌ها، جمع طالبا، جمع با حمایت پاکستانی ها قرار داریم، ولی از سرزمین خود دفاع کردیم و مقاومت ادامه داره. دشمن متقابل تلفات شده، ما هم تلفات داشتیم. ما دیروز در خاکسپاری هم سنگرهای خود اشتراک داشتم و امروز هم از 2-3 نقطه دشمن ادامه داده تهاجم خود، ولی ما بر اوضاع مسلط. और दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पंचशील से जंग की जबरदस्त तस्वीर सामने आई है। एक दिन पहले पंचशील घाटी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब वहां जबरदस्त बमबारी हो रही थी, दोनों ओर से रॉकेट छोड़े जा रहे थे, फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था, चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दोनों ओर से लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तालिबान का दावा है कि पंचशील में लड़ाई खत्म हो गई है और अफगानिस्तान के 34 में से 34 राज्यों पर अब उसका कब्जा हो गया है। हालांकि पंचशील के नेता अब भी बोल रहे हैं कि गोला और बारूद अब भी दागे जा रहे हैं। काबुल में तालिबान की वापसी के बाद पंचशील में अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक तालिबान और मसूद के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। इसके बाद तालिबान ने पंचशील पर कब्जा करने के लिए अपने लड़ाकों को भेजा। तालिबान के लिए पंचशील की लड़ाई कभी आसान नहीं रही है। तालिबान ने अब ऐलान तो कर दिया है कि पंचशील पर उसका कब्जा है, लेकिन अब तक एक भी वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें पंचशील में तालिबान का झंडा फहरा रहा हो। सवाल है कि आखिर जो तालिबान इतनी आसानी से पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, उसे पंचशील में इतनी मुश्किल क्यों आई है? तो इसका जवाब है पंचशील की भौगोलिक स्थिति, जिसका फायदा नॉर्दर्न अलायंस को मिला है। असल में पंचशील हिंदू कुश की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है।
चारों तरफ 10,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। ये पहाड़ एक तरह से घाटी के लोगों के लिए, वहां के फाइटर्स के लिए नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। पंचशीर के हिल टॉप पर पहाड़ों की ऊंचाई पर अहमद मसूद के फाइटर्स मौजूद हैं। उन्हें हाइट का एडवांटेज है, इसलिए जब नीचे की तरफ से तालिबान के हथियारबंद लड़ाके घाटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपर से गोलियों की बौछार कर देते हैं। पंचशीर में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 21 छोटी छोटी घाटियां हैं जिनके जरिए तालिबान के हर रूट पर नजर रहती है। इसी वजह से तालिबान को यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काबुल से पंचशीर वैली की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। जिस बगराम एयरबेस पर इस वक्त तालिबान का कब्जा है उसका सबसे शॉर्टकट रूट पंचशीर होकर जाता है, और तो और काबुल की तरफ जाने वाली स्ट्रैटेजिक रोड भी पंचशीर से दूर नहीं है। इसलिए तालिबान अहमद मसूद और अमरुल्ला साले के साथ बातचीत की वकालत करता रहा है, लेकिन अहमद मसूद और अमरुल्ला साले तालिबान सरकार में ताजिक मूल के लोगों की हिस्सेदारी की शर्त रखी है जिस पर तालिबान तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के तमाम शहरों में सरकार के गठन के पोस्टर्स और बैनर भी लगने लगे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि शुक्रवार के बाद कभी भी नई सरकार के गठन का ऐलान हो सकता है, और आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तालिबान सरकार के गठन का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका। हालांकि ये तय हो गया है कि मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान की सरकार का अगुवाई करेगा। अब जब यह दावा किया जा रहा है कि पंचशीर पर भी कब्जा हो गया है तो संभव है कि आज सरकार बन जाए, तो कौन कौन कैबिनेट में होगा आइए आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सरकार ईरान मॉडल की तरह हो सकती है। ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर होगा, और यह करीब करीब कंफर्म है कि तालिबान में नंबर वन की हैसियत रखने वाला मुल्ला हैबतुल्ला अखुनजादा ही सर्वोच्च नेता बनेगा। यह पद देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है। इसके बाद तालिबान की पॉलिटिकल विंग का चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तालिबान का फाउंडर मुल्ला ओमर का बेटा मोहम्मद याकूब और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में काफी अहम पद मिल सकता है। मतलब दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जिस ईरान मॉडल की बात हो रही है वो ईरान मॉडल क्या है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान मॉडल में एक सर्वोच्च नेता होता है, दो धार्मिक प्रमुख होता है, और वो जुडिशरी, मिलिट्री और सरकार सबके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नए निजाम में मुल्ला हैबतुल्ला अखुनजदा सुप्रीम लीडर होगा, जिसे जायम या फिर रहबर कहा जाएगा। ईरान की तरह ही अफगानिस्तान में भी सुप्रीम लीडर की मदद के लिए एक शूरा या फिर काउंसिल होगी जो अहम मसलों पर उसे सलाह देगी। आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर का ही होगा। इसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में असली सरकार बनेगी। अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का ओहदा मिल सकता है, जिस तरह से राष्ट्रपति का ओहदा ईरान में है। अखुनजदा के दो और डिप्टी मौलवी याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अहम भूमिका दी जाएगी। इसके बाद मंत्रियों, गवर्नर्स, मेयर की कतार होगी। तालिबान राज में अफगानिस्तान के सभी कबीलों और समुदाय की नुमाइंदगी के लिए एक नेशनल जिरगा या फिर संसद हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा एक गठन किया जाएगा इस्लामिक सरकार का। और जो ईरान मॉडल की बात की जा रही है उसमें अभी एक चीज जो है बहुत फर्क है, क्योंकि ईरान में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। वैसे क्या तालिबान आगे ऐसा करेगा कि वहां पर इलेक्शंस होंगे और वो तय करेंगे कि कौन वहां का राष्ट्रपति बनेगा, जिस तरह से ईरान में होता है। लेकिन वहां पर जो आयतुल्ला खुमैनी जो सबसे ऊंचा पद होता है, उसी तरह से यहां पर मुल्ला बरादर को धार्मिक नेता, सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा, माफ कीजिएगा, मुल्ला हैबतुल्ला अखुनजदा को बनाया जाएगा, जो तालिबान का इस वक्त हेड है। और उसके बाद वहां पर जैसा बताया जा रहा है कि अब्दुल गनी बरादर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।